दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। विंड चाइम लगाने से पहले जरूर जानिए ये टिप्स। फेंगशुई और वास्तु दोनों में ही विंड चाइम को बेहद खास माना जाता है। माना जाता है कि विंड चाइम में बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कि घर परिवार में लक और प्रोग्रेस लाती है। विंड चाइम चाहे घर में लगा हो या दुकान ऑफिस में, अगर उससे जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो उसके कई शुभ फल जरूर मिलते हैं। आइए जानते हैं ये टिप्स कौन कौन से हैं। पहला, विंड चाइम और दिशा। विंड चाइम सामान्य तौर पर लकड़ी, लोहे और अलग अलग धातु के बने होते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सी धातु से बना विंड चाइम सही रहेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको इसे कहां और किस तरह टांगना है। आइए अब जानते हैं कि किस दिशा के लिए कौन सा विंड चाइम होता है लकी। घर की पश्चिम और उत्तर दिशा में टांगने के लिए धातु से बने विंड चाइम सही रहते हैं, जबकि पूर्वी और दक्षिण दिशा के लिए लकड़ी और मिट्टी के बने विंड चाइम बेस्ट होते हैं। क्या कहता है विंड चाइम की आवाज? विंड चाइम का लक धातु के साथ आवाज पर भी निर्भर करता है। आजकल कई तरह के डिजाइन और धातुओं के विंड चाइम आ रहे हैं जो दिखने में सुंदर होते हैं, लेकिन उनमें या तो आवाज होती ही नहीं या कानों को चुभने वाली होती है। मीठी हो आवाज। अगर चाहते हैं कि विंड चाइम आपके लिए गुड लक और तरक्की लाए, उसके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखें कि विंड चाइम मीठी आवाज करने वाला हो। बिना आवाज करने वाला या भद्दी आवाज वाला विंड चाइम किसी काम का नहीं। विंड चाइम में रॉड की संख्या क्या होनी चाहिए? विंड चाइम में रॉड की संख्या, विंड चाइम कई रॉड की संख्या वाले आते हैं। अलग अलग नंबर की रॉड वाले विंड चाइम अलग अलग काम के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हर किसी को अपनी मनोकामना के अनुसार ही विंड चाइम की रॉडों की संख्या चुननी चाहिए। गुड लक के लिए चुने कितने रॉड? फेंगशुई के अनुसार घर दुकान का बैड लक खत्म कर वहाँ गुड लक लाने के लिए 7 या 8 रॉड वाली विंड चाइम लाना सबसे अच्छा माना जाता है। बीमारियों से बचने के लिए चुने कितने रॉड? घर में लंबे समय से चल रही बीमारियों को दूर करने के लिए या नई बीमारियों से बचाव के लिए 5 रॉड वाली विंड चाइम को घर दुकान में लगाना सबसे अच्छा होता है। बेडरूम में लगाए 9 रॉड वाला विंड चाइम। घर में रहने वाले लोगों या दंपति के बीच प्यार और अपनापन बढ़ाने के लिए उनके बेडरूम की खिड़की के पास 9 रॉड वाला विंड चाइम लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। अब जानते हैं कि लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए चुने कितने रॉड? घर या दुकान में शांति स्थापित करने और किसी भी तरह के क्लेश से बचने के लिए 2 या 3 रॉड वाली विंड चाइम सबसे अच्छी मानी जाती है। अब जानेंगे विंड चाइम टांगने का खास तरीका। अगर आपके घर या ऑफिस में एक ही लाइन में 3 दरवाजे हैं, तो आपको बीच में 5 रॉड वाली विंड चाइम टांगनी चाहिए। यह रोग या किसी भी प्रकार की विपदा से बचाव करता है। विंड चाइम का आकार और स्थान का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने विंड चाइम घर के भीतर टांगने के लिए ली है तो ध्यान रखें कि ये बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, जबकि घर के बाहर टांगने या बहुत बड़े कमरे में टांगने के लिए छोटे विंड चाइम सही नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि विंड चाइम लगाने से पहले किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही जरूरी बातों को जानने के लिए जुड़े रहे चमत्कारी टोटके चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।